हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे फंडू कंटेंट। बिग बॉस 12 के इस हफ्ते में काफी कुछ हुआ है, जिसकी वजह से हमें खूब एंटरटेनमेंट तो मिला ही है और साथ ही साथ बिग बॉस 12 की TRP भी बढ़ गई है। पर घर के अंदर का माहौल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। घर के अंदर खूब तनाव चल रहा है और अब हफ्ता खत्म हो चुका है और वीकेंड का वार भी आ गया है, जिसमें सलमान खान ना ही सबकी क्लास लेंगे पर साथ ही साथ घर वालों के साथ थोड़ी मस्ती भी करेंगे। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि क्या होगा आज के वीकेंड के वार में। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, अनूप जलोटा और जसलीन मथारू के रिश्ते पर कई उंगलियां उठाई हैं और अनूप जलोटा ने घर से बाहर आने के बाद इस रिश्ते को साफ साफ ठुकरा दिया है और कहा है जसलीन और मेरे बीच में सिर्फ गुरु और शिष्य का रिश्ता है। और ये बात कहीं ना कहीं से जसलीन को पता चल जाती है और वो पूरा हफ्ता बेचैन रहती है और इनकी बेचैनी दूर होगी इस वीकेंड के वार में जब वो देखेंगी अनूप जलोटा को। और हम सबकी और जसलीन की दुविधा खत्म करेंगे अनूप जलोटा ये कहते हुए कि मैंने जसलीन को कभी उस नजर से नहीं देखा और जसलीन और मेरे बीच में सिर्फ गुरु और शिष्य का रिश्ता ही है। मुझे नहीं पता कि कैसे जसलीन को इस बारे में गलतफहमी हो गई। ये बात सुनकर जसलीन थोड़ी शॉक हो जाती है पर वो ज्यादा कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपनी मुंडी नीचे कर बैठी रहती है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की कॉलर ऑफ द वीक की, जिसका सवाल आता है सुरभि राणा के लिए। सवाल ये होता है कि जब आप घर में एंटर हुए थे तब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कड़क दिखाई पड़ रहे थे, पर अब आपने जब रिश्ते बना चुके हैं घर में, अब आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस वीकेंड के वार की सबसे ज्यादा बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के बारे में, जो है कि सलमान खान ने और बिग बॉस ने शिवाशीष को घर से बाहर निकाल दिया है। और इसकी वजह ये नहीं है कि वो एलिमिनेट हो गए हैं कम वोट से, पर उनको इस वजह से निकाला क्योंकि उन्होंने बिग बॉस की रिस्पेक्ट नहीं की। और साथ ही साथ जब बिग बॉस ने उनको कन्फेशन रूम में बुलाया था तो उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से बिग बॉस से बात की और बिग बॉस ने जो आदेश दिया उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने यहाँ तक कि बिग बॉस के घर के नियम भी तोड़े हैं, जब उन्होंने काल कोठरी में जाने से मना कर दिया था। सलमान खान ने शिवाशीष को घर से बाहर निकालने से पहले बहुत ही ज्यादा सुनाया और ये तक कहा कि पूरे बिग बॉस सीजन में अब तक के तुम या तीसरे या चौथे इंसान रहोगे जिसको घर से इस तरह से बेघर किया है। और जब शिवाशीष को घर से बाहर निकाला जा रहा होता है तब सारे के सारे हाउसमेट इस बात पर हंस रहे होते हैं और सिर्फ श्रीशांत इस बात पर रो रहे होते हैं। और जब सारे घर वाले हंस रहे होते हैं, सबसे ज्यादा रोहित सुचंद इस बात पर हंस रहे होते हैं कंटिन्यूसली, जिस पर सलमान खान उन्हें बहुत ही ज्यादा खड़ी खोटी सुनाते हैं। और फिर सलमान खान एक और अनाउंसमेंट करते हैं कि घर वाले ज्यादा आराम ना फरमाएं क्योंकि दूसरे दिन एक और एविक्शन होगा। इसके बाद इस वीकेंड के वार की एक और सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि सलमान खान ने करणवीर बोहरा की पत्नी, जिन्होंने बिग बॉस वालों को एक ओपन लेटर लिखा था, उसका जवाब सीधे सीधे टेलीविजन पर करणवीर बोहरा को दे दिया कि अब से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारी बीवी ने एक ओपन लेटर दिया है कि मैं हर हफ्ते तुम्हें बेवजह सुनाता हूँ और तुम्हारे साथ जो करता हूँ और अब से मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं करूंगा। चलिए, ये तो हो गई सारी सीरियस वाली बड़ी हाइलाइट्स। अब आपको बता दें इस हफ्ते कौन सेलिब्रिटी गेस्ट आने वाला है। इस वीकेंड के वार पर बिग बॉस 12 में आएंगी फराह खान, जिनके साथ सलमान खान खूब मस्ती करेंगे। तो देखना मत भूलिएगा बिग बॉस 12 का वीकेंड का वार का एपिसोड। बिग बॉस की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।